लोग वर्तमान में एक की तलाश में है और वह तलाश किसकी है? सुख की। तो कवि कह रहा है सुख है कहां, जहां है वहां तो पहुंचो। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम उतनी छवि राशि अनंत कहां, कितनी छवि सुंदर श्याम में शशि में सरोज सुधा उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख राम के नाम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख राम के नाम, राम के नाम। अब देखिए ध्रुपद में जब करते हैं इसमें क्या दिक्कत है, जो हमने साहित्य कहा है देखिए पूरा साहित्य प्रदर्शन है। आपस में बात करते हैं ना कभी, और भैया कैसे हो, आनंद से हो, ठीक ठाक चल रहा है ना। जवाब मिलता है आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, पूरा संवाद सिद्धार्थ मैंने सुना है पंडित जी को। तो आप कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अरे रहना, अरे बहुत दिन से मिले नहीं यार, क्या बात है अभी तक। अच्छी बात नहीं, बहुत दिन में मिलते हैं यार, जल्दी मिला करो। बड़ी कठिनाई में था, सुर बता रहा है। अब ठीक है, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शास्त्रीय संगीत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संगीत वही है जो समझ में आ चलते हैं जरा वृंदावन की ओर। राम का तो आपने सुना ही, सूरदास जी प्रत्येक दिन बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, प्रत्येक दिन। मैं चाहूंगा बैठ जाए तो अच्छा लगेगा, यदि आप कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर मुझे संतोष हो जाए। तो कभी कभी बिहारी जी भी विनोद करते हैं। एक दिन उनका मन हुआ कि थोड़ा सा विनोद कर लिया जाए सूरदास जी से, और जो उस मंदिर के पुजारी थे उनसे कह दिया कि आज जब सूरदास आए तो मंदिर के पट मत फूलना, जो पर्दा पड़ा होता पड़ा। सूरदास जी प्रतिदिन के अनुसार मंदिर में पहुंचते और देखिए नेत्र नहीं, हम तो अपनी आंखों को भी दान कर दें मगर कौन लेगा इन बुझे चरागों को। बंद आंखों से काम कुछ ऐसे करो कि आंख खुल जाए आंख वालों।
वाह, सूरदास जी दिखाई नहीं देता लेकिन भगवान तो दिखाई देते हैं। इन नेत्रों से हम संसार देखते हैं और जब ये नेत्र बंद हो जाते हैं तो ईश्वर दिखते हैं। सूरदास जी कहे अरे भाई पर्दा खोलो, पट खोलो। तो पुजारी कहता है नहीं, आज पर्दा नहीं खुलेगा, पट नहीं खुलेगा, आज जो है नहीं खुलेगा। बोले क्यों? बोले ऊपर से आदेश। बोले किससे आदेश? तो बोले आप मानिए ऊपर से आदेश है, आज आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। ये स्वयं भगवान बिहारी जी का आदेश है। अच्छा, आप उनसे जाकर कह दो कि सूरदास जी आए हैं, सूरदास जी से पंगा ना ले, ये कोई सामान्य भक्त नहीं है, सूरदास है। फिर जाते हैं पुजारी, बात करते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं कि आप उनसे कह दीजिए पर्दा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। उसका कारण है कि मैंने जो जीवन में अंतरंग लीलाएं की है और सूरदास जी ने उसको खोल के रख दिया है। ये अच्छी बात तो नहीं थी, मेरी अंतरंग लीलाएं नहीं हुई, ये उनका अपराध है। फिर सूरदास जी शुरू होते हैं, अरे तुम हमेशा जब कूटे गए हो, जब तुम मारे गए हो, तुम्हारी पिटाई हुई। देखिए भक्त और भगवान का संवाद, जब तुम्हारी पिटाई हुई है तभी तुम शुद्ध हो गए। बोले कैसे? बोले प्रभु जी गए थे, लात मारी थी और जब लात मारी तो ठीक हो गए। सूरदास जी को जो मन में आता है कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान में प्रकट हो जाते हैं और हंसने लगते। बोले यही तो मुझे यहां सुनना था, यही तो सुनना था सूरदास, और कहो। वो जब भगवान के सामने देखते बिहारी जी को तो सूरदास जी के अश्रुपात होने लगते हैं और तब ये भजन निकलता है, प्रभु जी मोरे अवगुण सितना। सूरदास जी रो रहे हैं और भगवान भी रो रहे हैं। देखिए भक्त और भगवान का कैसे संवाद हो रहा है, दोनों अश्रुपात कर रहे हैं। सूरदास जी बोले मैंने अपने स्वामी को रुला दिया, ये तो अच्छी बात नहीं। तो फिर कुछ चैलेंज भी करते हैं, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, तुम्हारी इच्छा हो तो पार करो, हमें गरज नहीं। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, पारस का तर्क दिया है, गंगा जी का तर्क दिया है। और बोले जैसे एक विद्यालय में क्या होता, अध्यापक प्रधान अध्यापक, तो बोले बहुत न मानो अपने आप को कि हम श्रेष्ठ हैं। बोले हम आचार्य, तुम क्या हो, प्रधानाचार्य हो, प्राचार्य हो, हम जीव हैं, तुम केवल भगवान हो, यानी हम आत्मा है, तुम परमात्मा हो, बहुत श्रेष्ठ मत मानना। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारे आपकी बस की बात नहीं है। ये सूरदास जी ऐसा कह सकते थे। तो लीजिए वही भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, संदर्भ आपको मिल गया होगा, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न हो। प्रभु जी कहाँ बैठे देख रहे हैं, प्रभु जी मोरे प्रभु जी मोरे। जो लोग राग नहीं जानते उसके लिए बयाना एक राधा एक प्रभु जी, प्रभु जी मोरे, प्रभु जी मोरे। लेकिन मोरे में देखिए ये मोरे 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 अब गुण चित समदर्शी है नाम की मात्र, समदर्शी है
गुण चित झगड़े बोले कि आप पारस से हैं गुजर हो बोले कैसे कितनी अच्छी संगत कर रहे हैं एक बार इनके लिए जाकर बोला चाहिए एक लोहा पूजा में राखत और एक से काटा जाता है एक के घर परो लेकिन जब पारस के सामने ये दोनों प्रकार के लोहे आते Thank you.
Na dharo, na dharo.